यदि आपके स्मार्ट एलईडी टीवी में या फिर एंड्रॉइड टीवी में जियो सिनेमा नहीं चल रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं जियो सिनेमा अगर नहीं चल रहा है तो उसके लिए क्या करें और क्या नहीं करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास रेडमी का एंड्रॉइड टीवी है और जिसमें मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी, जियो सिनेमा नहीं चल रहा था। मैंने ये जो टिप्स मैं आप लोग को बताने वाला हूं वही टिप्स मैंने अपने टीवी में अप्लाई किया था और फिर मेरे टीवी में जियो सिनेमा चलने लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एंड्रॉइड टीवी में जियो सिनेमा नहीं चल रहा है तो उसको क्या करना है आपको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप अपना जो जियो टीवी का जो रिमोट है उसको लेकर आ पाएंगे और उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको यहां पर ये जो सेटिंग है उस सेटिंग में आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर देखिए ये वाला जो सेटिंग है ना, यहां पे वो दिख रहा होगा, ये देखिए यहां पर ये जो सेटिंग है इस सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। तो मैं यहां पर ले जाता हूं पहले अपने रिमोट से और उसके बाद से यहां पर ऊपर की साइड में जाकर सेटिंग पर जाते हैं और सेटिंग पर ओके करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो है आपका जियो जो सेटअप बॉक्स है वो यहाँ पे दिखाई देगा एंड यहाँ पर दो तीन चीजें दिखाई दे रही है जिसमें आपको एप्लीकेशन आ रहा है। तो आपको अपने रिमोट की सहायता से टीवी का जो जियो टीवी का रिमोट है उससे आप यहाँ पर एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आएंगे एंड उसके बाद से इसको ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड एप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस डाउनलोड एप्स पे हम क्लिक कर लेने वाले हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहां पर देखेंगे कि आपको यहां पर जितने भी डाउनलोड एप्स होंगे आपके जियो टीवी में वो सब यहां पर दिखाई देंगे। तो यहां पर आपको जो जियो सिनेमा है ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, आपको यहां पर अपने रिमोट की सहायता से यहां पर आ जाना है और यहां पर जियो सिनेमा पर आपको ओके कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप जियो सिनेमा पर ओके करेंगे तो आपके सामने ये जियो सिनेमा ऐप ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ओपन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लियर टीवी का ऑप्शन है, यहाँ पर अनइंस्टॉल ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम करना है वो हमें यहाँ पर जो क्लियर डाटा है उस पर ओके कर देना है एंड यहाँ पर क्लियर डाटा पर ओके कर देंगे तो ये जो हमारे जियो टीवी का जो सॉरी यहाँ पर जो जियो सिनेमा है जो नहीं चल रहा वो उसी की वजह से नहीं चल रहा था तो हमने यहाँ पर क्लियर डाटा कर दिया और ये खाली हो गया है। एंड कैच में भी आपको आना है और अगर आप कैच खाली नहीं होगा तो आप यहाँ पर सिंपली क्लियर कैच पर क्लिक करेंगे एंड क्लियर कैच कर देंगे। ठीक है, एंड ओके कर देंगे तो ये जियो सिनेमा का जो कैच फाइल है वो भी यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है, अब आपको वापस जाना है टीवी में, आपको एंड्रॉइड टीवी में वापस जाना है और जियो सिनेमा को ओपन करना है, देखना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर फिर भी आपके एंड्रॉइड टीवी या फिर एलईडी टीवी में जियो सिनेमा नहीं चल रहा है तो आप जियो पर आइएगा, यहाँ पर जियो वाला जो ऑप्शन है और नीचे आइएगा तो यहाँ पर जियो सिनेमा मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जियो सिनेमा ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए जियो सिनेमा ओपन हो जाएगा इस तरीके से कुछ एंड फिर जो है टीवी में जियो सिनेमा चालू हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अगर नहीं चल रहा। तो यहां पर जब आप क्लियर कैच और यहां पर क्लियर डाटा कर देंगे तो यहां पर रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आएगा। सो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपको कंटिन्यू करना है और इसमें आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप देकर यहाँ पर बहुत ही इजिली देखिए आ गया है लॉग इन विद मोबाइल नंबर, तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। लॉग इन पे करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है, आपके टीवी में जियो सिनेमा चालू हो जाएगा। सो दोस्तों जब आप अपने टीवी में जियो सिनेमा को लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि साइड में आपको मीनू बार आएगा जिसमें आपको टीवी शो मूवी टाटा आईपीएल एंड प्रीमियम कंटेंट न्यूज सब किड्स एंड फैमिली सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए तो सभी चीजें यहाँ पर नीचे भी आपको आ जाएगी, सारी चीजें जितनी भी मूवीज वगैरह फोटो वगैरह है टीवी शो है वो सब यहाँ पर आ जाता है। और इसमें कुछ प्रीमियम कंटेंट भी है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आइकॉन है वो प्रीमियम कंटेंट का है, आपको पता ही मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे आप लोग 29 रुपए से आप जो है प्रीमियम कंटेंट को देख सकते हैं। ये तरीका लगाकर आप लोग भी अपने एलईडी टीवी में या फिर एंड्रॉइड टीवी में जियो सिनेमा ऐप को चला सकते हैं और टीवी शो मूवी जो भी है वो देख सकते हैं।